नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस पे। दोस्तों यूपीटेट 2020 आवेदन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। जैसा कि आप लोग थंबनेल को देख लिया कि यूपीटेट 2020 आवेदन को लेकर आई बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट अपडेट यूपीटेट 2020 आवेदन से रिलेटेड देने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। नहीं तो आधी अधूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको यूपीटेट 2020 को लेकर जो भी अपडेट आए अपने चैनल से मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आप टाइम निवेश करते सीधे टॉपिक चलते हैं, पूरी अपडेट आपको बता देते हैं। अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए एक फीचर प्लान लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कंफर्ट तरीके से आपकी लाइव क्लासेस होने वाली है, उसके साथ ही अनलिमिटेड कोर्स का यहाँ पर संग्रह मिलने वाला है। तैयारी के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर से तैयारी कराई जाएगी, साथ में आपकी जितनी भी सिलेबस है उसे कवर किया जाएगा। समय समय पर आपको रेगुलर डाउट सेशन भी चलता रहेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी चलती रहेगी। स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। समय समय पे आंसर राइटिंग सीजन भी होगा, उसके बाद मेंटरशिप एंड गाइड। आपको बता दें कि यहाँ पर अनअकैडमी सीटेट पेपर सेकंड फ्री लाइव क्लासेस सीरीज यहाँ पर 14 नवंबर को लेकर आ रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों आपको बता दें कि अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पर सीटेट मसअप पेडागोजी सीरीज बाई हिमांशी मैम की तरफ से लाइव क्लासेस मिलने वाली है 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर अनअकैडमी सीटेट पेपर वन फ्री लाइव क्लासेस सीरीज यहाँ पर लेके आ रही है, तरीके से आप लोग के लिए डेमो वीडियो होने वाली है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको 12 नवंबर से स्टार्ट है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आप इन सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे एक महीने का लेंगे तो 1200 रुपये यानी कि 1200 रुपये देने पड़ेंगे। तीन महीने के लेंगे तो यहाँ पर 3000 रुपये देने पड़ेंगे। छः महीने के लेते हैं तो 4800 रुपये। 12 महीने के लेते हैं यानी एक साल के लेते हैं तो 6000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप कहीं परचेज कर रहे हैं ये सब्सक्रिप्शन, तो अगर आपके पास पैसे कम है तो यहाँ पर रेफरल कोड में डालिएगा AVPS क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप लोग AVPS क्लासेस रेफरल कोड में जरूर डालिएगा, तो अपने आसानी से आप जो है ये सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। दोस्तों सभी सब्सक्रिप्शन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग आज ही ज्वाइन। दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक न्यूज पब्लिश हो रही होगी। यहाँ पर आप लोग हेडलाइंस पे देखिएगा, यूपीटेट 2020 इस बार TET में रिकॉर्ड संख्या में आवेदन मिलने के आसार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार TET में रिकॉर्ड संख्या में आवेदन मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। और भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, पूरी अपडेट पाने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटेट 2020 कराने की अनुमति शासन से मिल गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय दीपावली की छुट्टियों के बाद परीक्षा के लिए विस्तृत प्रस्ताव भेजेगा और तैयारियों के लिए कम से कम 3 महीने की आवश्यकता होगी, इसलिए परीक्षा 15 फरवरी के बाद ही होने की संभावना है। और दोस्तों यहां पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि 2011 में शुरू हुए TET के लिए वैसे तो हर बार बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते थे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आने का अनुमान है। ऐसा इसलिए है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTI ने हाल ही में केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि CTET की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का मानना है कि आज नहीं तो कल UPTET की मान्यता भी आजीवन होती है, तो फिर उन्हें दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वैसे दोस्तों आपको बता दें कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार को लेना है और TET प्रमाण पत्र की वैधता 5 साल रहेगी या आजीवन मान रहेगी, ठीक है। ये सरकार को निर्णय लेना है कि उत्तर प्रदेश सरकार तय करेगी कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि UPTET 2020 में इस बार 10 लाख से ज्यादा आवेदन होंगे, यानी कि 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस बार UPTET में भाग लेने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस बार क्यों ऐसा हो रहा है कि क्योंकि CTET ने यहाँ पर NCTI ने हाल ही में केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी है, तो इसी को ध्यान रखते हुए UPTET के अभ्यर्थी भी इसी ओर बढ़ रहे हैं कि हमारा भी जो UPTET का है उसका भी जो है मान्यता वो लाइफ टाइम कर देगी, यानी कि UP गवर्नमेंट लाइफ टाइम कर देगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग के लिए निकल के आ रही थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, मैंने आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से अपडेट पहुँचा दी है। अगर दोस्तों आपको ये अपडेट पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर किसी का डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार से UPTET 2020 को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है अपने चैनल से मिलती रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम में लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप जाके डायरेक्टली लिंक को टच करके आप AVPS क्लासेस चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों वहां पर आपको UPTET से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वहां पर आपको अपडेट सबसे पहले कर दिया
दिया जाता है टेलीग्राम पे, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।